शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वेलकम, जोरदार तालियां इल्याना के लिए। कपिल, आपने एक चीज नोटिस की? जी सर, मैंने कर ली सर। हाँ, देख ली ना, इल्याना सबसे पहले गले किससे लगी? सर मैं समझ गया सर। समझ गया ना, मेरे से मिली बाद में अर्जुन से, करेक्ट ना? मैंने बोला ना, बोल गया मैंने जो बोलना था। भाई भाई की मारता है गलत है, चाचा भतीजे की मारता है एकदम सही है। क्या इल्याना? हाँ जी। यहाँ आना, वहां मत जाना। और बताना क्या चल रहा है बाकी सब घर पे? फर्स्ट क्लास। ऐसे लाइंस है यार। नहीं, मेरे पास कपिल शर्मा जितना टैलेंट होता तो मैं भी कर रहा होता ना। इसलिए तो अनीस बजने की जरूरत पड़ती है। पर बहुत अच्छी लग रही हैं आप। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपके व्हाइट शूज इतने चमक रहे हैं आज। ये तो मैंने हर एपिसोड में पहने होते। डैम, वेरी नाइस। अरे तुम पिक्चर में मेरे ऑपोजिट हो यार। हाँ, तो पिक्चर में एक्टिंग करनी पड़ती ना, अभी थोड़ी ना एक्टिंग करना है मुझे। इल्याना के लिए जोरदार तालियां। महफिल में रौनक आ गई है, आइए प्लीज। इल्याना की पहली फिल्म जो थी बर्फी, रणबीर कपूर के साथ, दूसरी फिल्म शाहिद कपूर के साथ, तीसरी फिल्म मैं तेरा हीरो में एकता कपूर, इस फिल्म में अर्जुन कपूर, अनिल कपूर। क्या कपूर कपूर, आपकी लाइफ में कपूर भरे पड़े हैं। बहुत। आपको क्या लगता है फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे कपूर इंडस्ट्री में आई हैं? व्हाट डू यू थिंक? और इस शो में आप नवजोत सिद्धू के लिए आएंगे कपिल कपूर? मैं भी कपूर। दो कपूर बैठे हो, तीसरा अपने आप कपूर हो जाता है। इस फिल्म मैंने अनिल कपूर के लिए किया है। Okay. दूसरी शायद आपके साथ करूंगी, आपके लिए। दूसरी करनी है ना तुमको, तो पहली भी मेरे लिए किए बोलो। दो दो है ना आप इसलिए। ये ना चिंता मत कर, 20-25 फिल्में हैं। हेलो चाचू, वेलकम के प्रमोशन ही मजनू भाई बन गए बीच में। आया 20-25। चलो फ्रैंकली स्पीकिंग, ज्यादा मजा किसके साथ आता है बैठ के बातें करने में? अथिया के साथ। हाँ, ये आंसर करेक्ट है, ये मुझे चलेगा। यार बहुत मिस कर रही हूँ। She wanted to be here, यार. She really miss. आय, आय, सॉरी, ये तो पापा तुम। आय, आय, आय। मेरी बड़ी तमन्ना थी हमारे स्कूल कॉलेज में कभी ऐसी खूबसूरत लड़कियाँ हों। मारे नहीं, हमारे हमेशा। यार को फील मेरा चले हट। मतलब सीरियसली, मैंने मतलब मुंबई आए हैं ये, मतलब तो हमें मौका मिला, सौभाग्य मिला। हमारी क्लासमेट, मेरी तमन्ना ही रह गई ऐसी होगी, हमारी क्लासमेट ऐसी थी, कल का लेक्चर पढ़ा तुमने? ऐसे कौन लड़कियां करती हैं? मतलब सीरियसली पाजी, आपने नहीं देखा? अरे मैंने भी देखा है यार। अच्छा, या, इनको अपना बचपन याद आ गया आज। पहले मैं बहुत मोटा, बहुत परेशान था, तो मुझसे भी ऐसी और के। ओह अच्छा, इल्याना एक बड़ा मेरा गरीबों वाला अपना ही सवाल है। ये जो जैसे हमारे साथ कॉलेज में लड़कियां पढ़ती हैं, रेनू बाला, कमला हो गई, बिमला हो गई, ये जो इल्याना होती हैं, ये भारत के किस कोने में आपका जन्म होता है? स्पेशली आई मीन कोई स्पेसिफिक एरिया, मतलब आई रियली वांट टू नो। आई वाज बोर्न हियर बॉम्बे में ही, लेकिन ओके, लेकिन बेसिकली फ्रॉम बॉम्बे? नहीं, तो आधी जो फैमिली है गोवा से है। यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? नहीं, आई एम आस्किंग इन इंग्लिश। ओह ओह, सॉरी सॉरी। No, I was born in Bombay, but I was living in Goa for a very long time. So you born in Bombay? I'm born in Bombay. And then where you went? And then I went to Goa. Goa. जी. अब भलाई इसी में हिंदी पे आ जा. Do you have any problem with my English, Mr. Sherry? No. बड़ा आ जा. I can speak English continuously 2.5 minutes. What do you think? Well okay. Done, Kapil. Okay. Yeah, time note हो गया. 2.5 minutes. Come on. Okay. So I was talking about that these beautiful girls, like Illyana. Correct. I agree. Attack kyun gaya? Illyana. Let me make a sentence in English. I have in my mind in Hindi. But
तो एक तो इल्याना फुल स्टॉप 45 सेकंड का नहीं होना चाहिए. मैंने ये कहा था कि लगातार, मैंने कहा सब मिला के 2.5 मिनट. बीच में लाफ्टर वाफ्टर आया, हो गया अपना. आई एम द विनर. ओके, तो मैं ये पूछना चाहता था कि इल्याना गोवा में फिर आप पली बड़ी पूरा काफी. हाँ, इनको देख के लगता है ये बीच टाइप एरिया में ऐसी खूबसूरत लड़के रहती हैं. I don't know what she's doing. हाँ, इतनी खूबसूरत है ना, यही होता है हमारे. तो मुझे आपको देख के ऐसे लगता है जैसे आपने कड़ी चावल कभी नहीं खाए होंगे. तो आपको क्या लगता है मैं क्या खा के बड़ी हुई हूँ? मुझे लगता है कोई ऐसा पोमग्रेनेट पास्ता टाइप समथिंग. Which dishes belong to Paris or but international types. Yeah. अच्छा, नहीं मैं कड़ी चावल खाती हूँ, राजमा चावल खाती हूँ. कड़ी चावल वो पता है ना, कड़ी चावल पकौड़े भी डलते हैं ऐसा. जी बिल्कुल. तो भाई लोग जिनका मन में सवाल था उनको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये हमारे जैसा ही खाना खाती है. और अच्छा लगा. नाम इंटरनेशनल है लेकिन टेस्ट देसी है. बिल्कुल. खिचड़ी वगैरह का भी आपको पता होगा. हाँ हाँ, खुद बनाती हूँ खिचड़ी. मैटर ऑफ फैक्ट आज इन्होंने खिचड़ी मंगाई है. अच्छा, खाने अच्छा, के लिए. आपको कैसे पता? जो इलियाना मंगाती है मैं भी वही मंगाता हूँ, टू गेट क्लोज. अलग अलग मंगाई के एक ही डिब्बा ऑर्डर किया दोनों ने. मैं मुझे लगता है एक ही डब्बा है, जिस तरह ये केमिस्ट्री है तो. मुझे तो शक हो रहा है कि इलियाना हीरोइन अर्जुन की है कि अनिल सर की है. मैं भी हत्या को बहुत मिस कर रहा हूँ. लली क्या कर रही हैं आप यहाँ? मैं ना आप दोनों को लेने आई हूँ, मेरी मम्मा ने बुलाया आपको. क्यों? क्यों? मैं खुद ही बैठ गई, कहा ही नहीं किसी ने. बंदों की फिल्म हिट हो जाए ना तो एटीट्यूड आ जाता है. हाँ जी, मेरी मम्मा ने आपको इसलिए बुलाया है कि आज हमारे घर में ना पूजा है अंकल जी, तो मम्मा कह रहे थे थोड़ा सा कपूर लेकर आना. इधर तो दो दो कपूर है, आज तो भैया हवन होगा, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे. मैं मजाक कर रही थी तो बनी ना मी. दली स्कूल नहीं गई तू आज? हाँ, तो सिद्धू जी कहाँ गए हैं? अरे वो तो बड़े हो गए ना. वाह जी वाह, आज बड़े हो गए, पढ़ लिख कर 4 पैसे आ गए, नाम हो गया तो स्कूल नहीं जाओगे? कोई बात नहीं, पढ़ो के स्कूल चले जाओ अंकल. चले जाऊंगा, ठीक है. बड़े बच्चों को स्कूल रोज जाना चाहिए, वो थोड़ी ना जाएंगे. अच्छा, रोज रोज जाए, कभी स्कूल नहीं आ सकता हमारे पास? इतना बड़ा स्कूल तुम्हारे घर कैसे आएगा? क्यों, इतना बड़ा शो अगर घर घर आ सकता तो स्कूल नहीं आ सकता? वैसे ना मैंने एक दरख्वास्त करनी है सोनी अंकल, आप कहीं भी मेरे को सुन रहे हो तो प्लीज मेरे लिए एक स्कूल बना दो, ताकि अगर मैं कभी स्कूल ना जा सकूं तो अगले दिन रिपीट टेलीकास्ट देख के पढ़ लिया करूं. धन्यवाद. चलो बेटा अभी आप जाओ, यहाँ इंटरव्यू चल रहा है. ठीक है, इंटरव्यू चल रहा है. हाँ. मैं तो कहती कस के पकड़ लो, भाग ही ना जाए. अनिल अंकल, कुछ पलों के लिए आप, कुछ क्षणों के लिए मेरे पिताश्री बनेंगे, मुझे पेरेंट्स मीटिंग पे लेके जाना है. क्या लगता है कपिल साहब, इनको क्यों लेके जाना है? मतलब मेरे डैडी बहुत नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव बातें. तूने ब्रश नहीं किया, तेरे जुए पड़ गई, तू नहाई नहीं, तूने ये कर दिया, तूने होमवर्क नहीं किया, हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं. चलो ठीक है, मैंने होमवर्क नहीं किया तो डांटा, लेकिन अगर मैंने राहुल को कंपस मार दी, इतना डांटा ना, कहते क्यों मारी उसको, मैंने बोला अगर मारनी नहीं होती तो तीखी क्यों बनाई. अंकल प्लीज चलिए ना. अरे ये अभी तक अपने बच्चों के पेरेंट्स नहीं बन के गए स्कूल, आपके पेरेंट कहां से बन के जाएंगे? तो जाएंगे अंकल, बनिए ना. मैं क्या सोनम से कम हूँ, ज्यादा ही हूँ ना. प्लीज. बेटे दूसरों के पापा को नहीं लेके जाते, अपने पापा को लेके जाते हैं. मैं क्यों अपने पापा लेके जाऊं,
पेपरों में सवाल तो दूसरों के पापा के आते हैं कि अकबर के पापा का नाम क्या था, सलीम के पापा का नाम क्या था, हुमायूं के पापा का नाम क्या था। अभी पेरेंट्स मीटिंग में बुलाओ हुमायूं के पापा को फिर। बेटे वो जनरल नॉलेज के लिए पूछते हैं, ऐसे नहीं। जनरल नॉलेज? टीचरों को कोई जनरल नॉलेज नहीं होती भैया जी। मुझे कहती है कि इंग्लिश में कुर्सी को क्या कहते हैं, आम को क्या कहते हैं, संतरे को क्या। मैंने बोला कि अगर टीचर जी ये सारी बातें मुझे पता होती तो मैं टीचर ना बन जाती। यही सब बातें करती है ना, पढ़ती नहीं है तभी फेल होती है। नहीं, फेल मैं कभी अपनी वजह से नहीं हुई अनिल अंकल, टीचर की वजह से हुई हूँ। एक्चुअली मैं ना पेपरों पे लिख देती थी, हिंदी वाली मैडम काल खोल के सुन ले तेरा चक्कर पंजाबी वाले टीचर के साथ चल रहा है, मैं बता दूंगी। वो मुझे पास कर देती थी, फिर मैं लिख देती थी मैथ वाले टीचर तू भी काल खोल के सुन ले तेरा चक्कर इंग्लिश वाली के साथ, वो भी पास कर देता था। मैं फेल हो जाती थी अंकल साइंस में, क्योंकि साइंस वाली टीचर शरीफ थी, उसका किसी के साथ नहीं चल रहा था। अंकल प्लीज चलिए ना, सामने क्या देखी जा रहे हैं, वो तो मान नहीं रहे आप। बेटे तो मुझे अंकल बोला दिया। हाँ जी। मैं नहीं, मैं आपको देख रही थी, मैं कह उनको रही थी। वैसे तो इतने छोटे हैं कि मेरा दिल करता गुड्डू कहूँ उनको। अभी चल, अभी चल। चलो यू। अभी गुड्डू बोला, अभी मैं जा सकता हूँ। अनिल अंकल, अनिल अंकल, अनिल का मैं सुन ही नहीं रहा था। मैं ले जाऊँ, ये मेरे पापा लगते हैं। नहीं, वो छोटे लगते हैं, और छोटे लगते हैं। अच्छा, वो पापा नहीं लगते हैं? ना। तो चाचा कहाँ से लगते हैं, या चाचा चाचा कहते रहते हैं? अरे वो मुझे चाचा कहते हैं। अंकल ऐसे डराओ ना, मैं वॉमिट आ जाती हूँ। चलिए भैया आप चलिए, मैं बोल दूंगी पापा आज बिजी है, आज भैया आए हैं। क्यों लली, ये भी बहुत छोटे हैं, तुम्हारे पापा नहीं लगेंगे। लियाना दीदी आप मूछें लगा के चलोगी? इंटरनेशनल पापा। फिर मैं क्या करूं, कौन मेरे पापा बनेंगे? सिद्धू पाजी को ले जाओ। तब पाजी वाह, आप चाहते हो मैं फेल हो जाऊं? क्यों? क्योंकि सिद्धू पाजी इतने टैलेंटेड है। एक बार ये मेरी पंजाबी वाली टीचर के साथ गए थे, कहते हैं बच्ची पास क्यों नहीं करती, वाह उनके मुंह पे ठूक डाल दिया और उनके फेल कर दिया। तो मतलब कि आप दोनों नहीं जाएंगे? नहीं, मैंने तो कहा मैं चलता हूँ, अगर आपने मुझे कहा ना, मैं तो चलने को रेडी हूँ। मैं कह दूंगी गुड्डू पापा आए, गुड्डू पापा आए, ठीक है। आप मतलब जाएंगे नहीं, आप जो अपनी मुझका बाल खींच रहे हैं मुझे दिख रहा है इधर से। आप नहीं जाएंगे ना? नहीं। तो फिर मैं यहाँ रहूंगा यहाँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए लेट जा नीचे। मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। पक्का? पक्का। अंकल हाँ, एक बात पता चल गई है। क्या? आपको हमेशा हाफ गर्लफ्रेंड क्यों मिलती है? क्यों मुझे भी बता। क्योंकि फुल तो उधर रहती है गुड्डू के पास। वैसे ना अर्जुन भैया, आपने कभी स्कूल के बाहर इमली के गोले खाए? नहीं। खाए तो सब होंगे। अच्छा तो ठीक है, आप दोनों मान गए हो मेरे पापा बनने के लिए। दो पापा कैसे होंगे? हो जाते हैं, तीन तीन भी होते, लोग बताते नहीं है। तो अंकल आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इसका कहने का मतलब मैं जाऊं। अंकल मैं भी साथी हूँ कि कभी इनकी जगह मैं बैठी हूँ, आप कहें प्लीज वेलकम द सुपरस्टार लल्ली, और फिर मैं ऐसे आऊं, मैं ऐसे करूं, दीदी हटना जरा, फिर मैं ऐसे बैठ जाऊं, मैं आपको एटीट्यूड दिखाऊं, आप मुझे सवाल पूछो, मैं लाइटें देखी जाऊं, मैं जवाब ही ना दूं, मतलब ऐसे करूं। हां जी सही है, बॉम्ब क्यों दिल्ली, तेरे को इंटरव्यू क्यों नहीं लेने दे रही? अंकल आप सबका इंटरव्यू लेते हैं लेकिन किसी को नौकरी नहीं दी, इंटरव्यू लेते रहते। तो अंकल जी आप मेरे पापा बनने को तैयार हो? अंकल जी कौन है?
अरे यार तुम किधर आओ, तुम किधर आओ दिल्ली। हाँ जी। स्टार बनना चाहती नहीं लाना की तरह? हाँ जी। तो मन लगा के पढ़ा कर। एक मिनट, आज पता चला। हेलो डैडी, कहाँ पहुँचे? लोखंडवाड़ा। हाँ, वहाँ से फिल्मों की दुकान से ना एक आमिर खान अंकल की मन लेकर आना। ये कहते हैं मन लगा कर पढ़ा करो। दिल से पढ़ा करो, दिल से। शाहरुख खान अंकल की दिल से भी ले आओ, वो भी लगानी पड़ती है। हाँ अंकल, आप कंफ्यूज करी जा रहे हो। कभी शाहरुख खान अंकल, कभी आमिर खान अंकल। जो गेस्ट आए उनकी फिल्म मुबारक लगा के पढ़ना चाहिए, है ना? और बाजी की हाल दादा। चलिए आप सबसे पहले करो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। कहाँ बच्चे की बातों पे टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। मैं बोल कर आती हूँ टीचर को कि मेरे पापा आ रहे हैं। हेलो टीचर। अच्छा वैसे मैं भी बच्चा अगर बन जाऊँ ऐसे इलियाना, हाँ। कभी तो ऐसे मतलब बच्चों को तो सब माफ होता है। हाँ। कैसे? नहीं नहीं शर्मा बोल रहे हैं। नहीं, ये बचपना सा आ गया अंदर। लल्ली को देख के ना बचपना आ गया। आ गया तो ले आना पूरा। है? ले आ, ले आ। नॉटी बच्चा बन के दिखाना। नहीं बाजी रहे। ये नॉटी कब? नॉटी बच्चा? नहीं कोई नहीं। पढ़ना यार। नहीं बाजी। ओए।